वाता है जो कश्मीर वैली में चार पांच दिनों से जो माइग्रेंट जो है बुनियादी कम्युनिटी के जो हैं वो उनकी किलिंग हुई है, और ऐसी बात नहीं है एक महीने से बुनियादी कम्युनिटी के लोगों की भी किलिंग वहाँ पर हुई है। तो उस संदर्भ में ये बात रखी गई है। तो सबसे पहले तो मैं जो लोग वहाँ पर शहीद हुए हैं, जहाँ पर जो मारे गए हैं लोग, एक निहत्थे स्कूल प्रिंसिपल लेडी जो सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती थी, दूसरे हिंदू जो जम्मू से ताल्लुक़ रखते थे, वहाँ पर वो टीचर थे, उससे पहले चार पांच लोगों की वहाँ पर सेलेक्टिव किलिंग हुई। तो ये एक बड़े अफसोस की बात है। सबसे पहले तो मैं उन परिवारों की तरफ, उन परिवारों को अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से संवेदना प्रकट करता हूँ, और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ उनको शांति दे, और ये सदमा सहने की जो शक्ति दे। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, आपने देखा ये हालात ऐसे बन रहे हैं जैसे 90 में जम्मू कश्मीर के हालात थे। लोगों में एक खौफ था, लोग काफ़ी डरे हुए रहते थे, कोई भी वैली में जाने के लिए डरता था। लेकिन उसके बाद 96 में जब डॉक्टर फारूक साहब ने वहाँ पर सरकार संभाली, और आपने देखा 2002 तक इस मिलिटेंसी का किस तरह सफाया हुआ, और किस तरह से लोग बेखौफ होकर जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट आ रहा था, आम आदमी जो है बेखौफ होकर वहाँ पर जा रहा था। आज हमें इस बात की ये कोशिश करनी चाहिए कि जो ये जो सेलेक्टिव किलिंग हो रही है, इसकी ये एक अच्छा संकेत नहीं है, चाहे जम्मू कश्मीर के लिए या हमारे मुल्क के लिए, क्योंकि भारत एक सेकुलर मुल्क है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाइयों की तरह रहते हैं, और हम लोग जो है उस पार्टी के लोग हैं जो इस बात को लेकर हमेशा यही कहते हैं भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा जो है वो कायम रहना चाहिए। और जहाँ तक कश्मीर का मसला है, मैं कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, अपना काम कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ इनको थोड़ा थोड़ा पॉलिटिकल तरीके से भी, पॉलिटिकल लोगों को भी कॉन्फिडेंस में लेकर, ये जो फिरका प्रस्त लोग हैं या जो ये जानवर जो है जो स्कूल में घुसकर एक निर्दोष लोगों की, एक ये निहत्थे लोगों की हत्या कर रहे हैं, उनको निशानदेही करने की जो है ज़रूरत है। और मैं इस